विश्व जनसंख्या दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड मूल निवासियों से ज्यादा हो। सीएम योगी ने कहा कि ये एक चिंता का विषय है हर उस देश के लिए जहां पर जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। योगी ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि एक वर्ग की आबादी ज्यादा होने का असर रिलीजियस डेमोग्राफी पर पड़ता है और एक समय के बाद वहाँ अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। सीएम योगी ने आगे कहा कि जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बीते 5 साल में देश भर में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि भी है लेकिन यह उपलब्धि तभी है जब समाज स्वस्थ और आरोग्यता की स्थिति को हासिल कर सके। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट विपिता।